हनी कैलाश ब्लॉग 2019 यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूँ छोले बनाने की रेसिपी। तो दोस्तों एक शानदार और स्वादिष्ट छोले कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों छोले बनाने के लिए मैंने एक कटोरा छोला रात को भिगा दिया था गर्म पानी में। तो दोस्तों ये फूल चुके हैं छोले, देख सकते हैं आप, ये टूट रहे आराम से, ये देख सकते हैं। और एक दाना मैंने आलू काट लिया है और दो दाने मैंने टमाटर काट लिए हैं। दोस्तों अब इसको हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। तो दोस्तों कुकर में हमने जो है छोले डाल लिए हैं, इसमें आलू ऐड कर देंगे हम। दोस्तों आलू ऐड कर दिए हैं, इसमें दो दाने टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर इसमें डालेंगे तो टमाटर हमारा अच्छे से गल जाएगा दोस्तों, इसलिए हम टमाटर को छोले में डाल लें। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और धनिया का पाउडर आधा चम्मच। इसके अलावा दोस्तों आधे से आधा चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे इसमें। इसके अलावा एक चम्मच नमक। तो दोस्तों हमने सब डाल दिया है इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, दोस्तों एक लीटर के समथिंग पानी ऐड करेंगे। दोस्तों पानी ऐड कर लिया, इसको चला लेंगे। इसके अलावा एक टेबल स्पून हम तेल ऐड कर देंगे इसमें। तेल डालने से दोस्तों उबाल नहीं आएगा। अब इसमें अब सीटी लगा देंगे, 5 से 6 सीटी। दोस्तों छोले हमारे बन चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं अच्छे से, देख सकते हैं आप। 5 से 6 सीटी में हमने इनको पका लिया है। टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इनको सोखेंगे दोस्तों, इसमें लगाएंगे तड़का, बहुत ही बढ़िया तड़का लगाएंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं तड़के की कार्रवाई। तो दोस्तों दाल फ्राई करें, दाल फ्राई करने के लिए हम इसमें कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में 2 चम्मच छोटी चम्मच से घी डालेंगे। दोस्तों देख सकते हैं 2 चम्मच हमने घी डाल दिया इसमें। दोस्तों दाल छोले कभी भी अगर छोंकने हैं आपको तो घी में छोंकिएगा, उसका टेस्ट अच्छा आता है तेल से। दोस्तों घी हमारा हो चुका है, अब इसमें डालेंगे छोटी चम्मच से 1 चम्मच जीरा और धनिया। इसको मीडियम फ्लेम में चलाएंगे। दोस्तों एक डालेंगे तेज पत्ता, ये 2 दाने डालेंगे हम लौंग, 1 दाना हम डालेंगे इलायची, छोटी इलायची, ये 2 लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे हम स्वाद के लिए। अब दोस्तों 30 सेकंड चलाने के बाद इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। अब दोस्तों लहसुन को हम 30 से 40 सेकंड तक चला लेंगे। दोस्तों लहसुन हमारा 30 से 40 सेकंड तक पक चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। दोस्तों प्याज को हम 2 से 3 मिनट चला लेंगे मीडियम फ्लेम में। दोस्तों प्याज हमारा 2 से 3 मिनट पका लिया है, देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्च, देख सकते हैं हरी मिर्च को 30 से 40 सेकंड तक क्रंची कर लेंगे थोड़ा सा। अब दोस्तों इसमें हम आधा से आधा चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा ऐड करेंगे कसूरी मेथी। दोस्तों छोटे चम्मच से 1 चम्मच ऐड करेंगे छोले मसाला, छोले मसाले का स्वाद अलग ही है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। दोस्तों छोटे चम्मच से आधी चम्मच हम करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड, इसका स्वाद अलग ही आएगा और कलर आएगा। दोस्तों सभी हमने 10 से 20 सेकंड तक पका लिया है मीडियम फ्लेम में। अब इसमें ऐड कर देंगे हम छोले जो हमने बॉईल कर रखे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों छोले ऐड कर दिए हमने, इसका कितना बेहतरीन कलर आ गया है, देख सकते हैं आप। अब इसकी गैस का फ्लेम कर देंगे हाई। अब इसको 5 मिनट तक पकने देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे हम, क्योंकि हम इसे चावल के साथ सर्व करेंगे तो नमक ज़रा ज़्यादा डालना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, तो आप कम बाकी कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं छोले का कलर बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट छोले बने हुए हैं। आप बिल्कुल ज़रूर वीडियो देखें, ये छोले का कलर देख सकते हैं आप, इसमें कई चीज़ें पड़ी हैं दोस्तों। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, वैसे नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। आप भी अपने अपने घरों में दोस्तों बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। दोस्तों देख सकते हैं छोले हमारे बन चुके हैं। अब हम इसका गैस का फ्लेम कर देंगे बंद,
अब गरम गरम सर्व करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें आप चाहें तो हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ हरा धनिया। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने माताओं बहनों को नई नई रेसिपी बनाने के लिए शेयर करें। और दोस्तों अब मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।